हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज आप सबसे एक छोटा सा बैड न्यूज़ शेयर करना चाहता हूँ। एक्चुअली हुआ क्या कि कल मुझे YouTube की तरफ से एक ईमेल आया कि आपका जो चैनल है वो मोनेटाइजेशन के लिए अनेबल हो चुका है, तो आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने उसको अप्लाई किया और मुझे पता था कि जो मैंने अप्लाई तो कर दिया, लेकिन जो मोनेटाइजेशन है वो चालू नहीं होगा, क्योंकि जो उनका जो टारगेट रहता है, क्राइटेरिया रहता है, उसको एक साल के अंदर कंप्लीट करना रहता है, लेकिन मुझे वो कंप्लीट करते करते 3 साल हो गए, तो वैसे वो चालू नहीं होने वाला था। लेकिन मुझे रात को उनका ईमेल आया कि आपका जो चैनल है वो इसीलिए मोनेटाइज नहीं हो सकता क्योंकि आपने किसी का कंटेंट अपने कोई वीडियो में रीयूज़ किया हुआ है। तो फिर मुझे ध्यान आया कि मैंने गणपति कंपाइलेशन वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बाजीराव मस्तानी का एक सॉन्ग उसमें मैंने यूज़ किया था, तो उस वीडियो में कॉपीराइट क्लेम आया हुआ था, तो जिसको मैंने देखा नहीं था। अब क्या हुआ, चैनल को मोनेटाइज करना है तो मेरे पास ऑप्शन था, या तो मैं उस वीडियो को एडिट कर सकता था या तो उस वीडियो को मुझे डिलीट करना पड़ता। अब मैंने ऐसा कहीं यूट्यूब में किसी के वीडियो में देखा था कि अगर आपका जो वीडियो है उसमें 1 लाख से कम व्यूज़ हैं तो आप उसमें थोड़ा बहुत एडिट करके मतलब काम चला सकते हैं, अगर 1 लाख से ऊपर व्यूज़ है तो आपको वीडियो डिलीट ही करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। तो और मेरा जो वीडियो था गणपति कंपाइलेशन वाला, उसमें मोर देन 1,70,000 व्यूज़ थे, तो अब मेरे पास कोई ऑप्शन बचा नहीं था, तो मुझे वो वीडियो डिलीट ही करना पड़ा। तो आपको अब मेरे चैनल पे वीडियो नहीं मिलेगी, बट खैर कोई बात नहीं। लेकिन मुझे सबसे बड़ा दुख इस चीज़ का लग रहा है कि उस अकेले वीडियो से मुझे मतलब जो क्राइटेरिया रहता है यूट्यूब का, 4,000 आवर्स का वॉच टाइम चाहिए रहता है, यानी 2,40,000 मिनट्स का, एंड मोर देन 80% ऑफ इट वो सिर्फ उस ही वीडियो से आया था, तो मेरा जो वॉच टाइम है वो भी पूरा गिर जाएगा। तो अब मतलब ऐसा समझ लीजिए कि अब दोबारा से एक नया चैनल चालू कर रहे हैं, सब्सक्राइबर्स पहले से हैं लेकिन जो वॉच टाइम वगैरह है शुरू से चालू करना पड़ेगा। बट ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, डटे रहेंगे, करते रहेंगे। एंड बस ये एक छोटा सा न्यूज़ आपसे शेयर करना था। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।